अज असी एक तुहानू बहुत ही हैरान कर देने वाली स्टोरी दसांगे। यह स्टोरी सोचने लई मजबूर कर देवेगी कि किवें कोई इंसान अपने फायदे लई अपने पूरे परिवार नू मार दिंदा है। हाँ जी, गल करदे हां शबनम दी। यह अज बहुत सारे खबरां वाले चैनलों ते छाई हुई है। यह औरत आजाद भारत विच फांसी की सज़ा पाउण वाली पहली औरत हो सकती है, क्योंकि इसकी सज़ा की माफ़ी की अर्जी उत्तर प्रदेश की राजपाल ते देश के राष्ट्रपति ने खारिज कर दिती है। हुण शबनम दे डैथ वारंट लई अर्जी पा दिती गई है। इस अर्जी के पास होने इस मथुरा जेल में भेज दिता जाएगा, क्योंकि इंडिया में किसी औरत को फांसी देने का इंतजाम सिर्फ मथुरा जेल में ही किया गया है। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि 1947 तो बाद आजाद भारत में किसी भी औरत को फांसी नहीं दी गई, पर 1958 एक बार फांसी की सज़ा एक महिला को दी गई सी। इस तो अलावा भी एक दो औरतों को फांसी देने की सज़ा हुई, पर उन्हां दी मौत की सज़ा उम्र कैद में कन्वर्ट हो गई। पर शबनम उन्हां जिन्नी लक्की नहीं है। शबनम की फांसी की सज़ा पहला दो बार टल चुकी है। यह तीसरी बार है जदों यह फांसी की सज़ा के बहुत करीब है, पर इस कोल अजे भी फांसी की सज़ा तो बचण के कुछ राइट सन, पर यह चांस इस दे क्राइम के अगे बहुत घट ने। हुण तुहानू दस दे हाँ कि शबनम ने कांड की कीता सी जिस करके इसनू मौत की सज़ा मिली। शबनम उत्तर प्रदेश के अमरोहा इलाके की रहने वाली है। इसने दो विषयों में एम ए भी की हुई है। शबनम पढ़ाई पूरी करन तो बाद अपने पिंड के ही स्कूल पढ़ाउंदी सी। तो यह घर तो भी वधिया पैसे वाली सी, क्योंकि इन्हों का परिवार अपना लकड़ी का काम करता सी। इन्हां दी लकड़ी की दुकान इन्हां दे घर विच ही सी। तो इन्हां दी लकड़ी की दुकान पर ही काम करने वाले सलीम नाल शबनम नू प्यार हो गया। सलीम सिर्फ अठवीं पास सी। शबनम ने जदों सलीम नाल ब्याह कराउण दी गल अपने घरे दसी तां इस दे पिता ने साफ साफ मना कर दिता, क्योंकि सलीम गरीब घर दा सी ते इह अमीर घर दे सी। जिस तो बाद शबनम परेशान रहन लगी। तो फिर एक दिन शबनम ने सलीम नाल मिलके एक प्लैन बनाया। शबनम का प्लैन सी कि आपां सारे घरदियां नू मार के शादी कर लवांगे, तो इस तरह सारी जायदाद भी अपनी हो जाएगी। जिस तो बाद 14 अप्रैल 2008 की रात आई, जिस दिन शबनम की जिंदगी बदलन वाली सी। 14 अप्रैल नू दिन विच सलीम ने कुछ नशीलियां गोलियां खरीद के शबनम नू दे दित्तियां। तो जदों रात नू सारे परिवार ने खाना खा लिया तो शबनम ने यह नशीलियां गोलियां दुध विच मिला के सारे परिवार नू पिला दित्तियां, पर अपने 11 महीने के भतीजे नू ओह दुध नहीं पिलाया। तो हुण जदों सारा परिवार बेहोश हो गया तो इसने सलीम नू अपने घर बुलाया। तो शबनम ने 6 जियां दे सिर फड़े तो सलीम ने कुहाड़ी नाल गर्दन कट दित्तियां। तो शबनम ने अपना भतीजा गल घुट के मार दिता। तो इस तरह एक रात विच ही शबनम ने 7 जणियां दा कतल कर दिता। तो यह 7 जणे सी शबनम दे माता पिता, 2 भरा, 1 भाबी, 1 मासी दी कुड़ी ते 11 महीने दा भतीजा। तो यह कतल करन तो बाद शबनम उत्थे बैठ के उची उची रोन लगी, जिसनों सुन के गवांडी उत्थे आए। तो उन्होंने गवांडियां ने फोन करके पुलिस नूं बुलाया, क्योंकि शबनम ने एक कहानी बुनी सी। तो उसने दसिया कि यह घटना डकैतां ते चोरां दी कीती हुई है। तो पुलिस उन्होंने चोरां नूं लभण लगी। तो पूरी यूपी विच पुलिस का विरोध हो रहा सी, जिस करके कुछ पुलिस वालों नूं सस्पेंड किया गया। तो जदों नवा इनवैसटीगेटर ऑफिसर आया तो उसने शुरू तो तफतीश करनी शुरू की। तो दूजे पासे उस समय की सरकार शबनम नूं 5 लाख रुपए मुआवजा देने की तैयारी विच लगी हुई सी, ता कि अपनी राजनीति चमका सके। पर इस केस की इनवैसटीगेट करने वाले ऑफिसर ने उन्हां तों 48 घंटे की मोहलत मंगी, क्योंकि ऑफिसर नूं शबनम उत्ते शक हो गया सी। इस अफसर कोल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई सी, जिस विच पता लग गया कि परिवार नूं मारन तों पहला नशीली दवाई दित्ती गई है, जिस नाल शबनम उत्ते शक हो गया। तो उस अफसर ने शबनम दे फोन रिकॉर्ड कढ़वा लए, जिन्हां विच सलीम नूं 55 वार फोन किया होया सी। जिस तों बाद पुलिस ने सलीम की तलाश शुरू की। तो कुछ घंटिया विच ही सलीम पुलिस की हिरासत में आ गया। तो सलीम ने एक थप्पड़ पैण ते ही दस दिता कि उसने ते शबनम ने मिलकर शबनम के परिवार का कतल किया है, जिस तों बाद शबनम नू हिरासत में लिया गया। तो शबनम ने सलीम नू जेल में देख के अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस तों बाद कोर्ट में पेश करने लई सबूतों की लोड़ सी। तो शबनम के घर के कोलों खाली शीशियां नशीली दवाई दियां मिल गई, ते ओह कुहाड़ी भी मिल गई जिस नाल कतल किए गए सी। ते इस केस नू इन्ने सौखे तरीके नाल सुलझाउण लई कोर्ट ने पुलिस नू शाबाश दित्ती सी। ते घटना दे वक्त शबनम दे पेट विच 7 महीने दा बच्चा सी, जिस दा जन्म जेल विच ही होया। ते 7 साल तक जेल विच ही उसका पालन पोषण होया, पर 7 साल बाद जदों पहली बार शबनम नू फांसी देण दी गल चली तां कोर्ट ने उसके मुंडे की कस्टडी किसी रिश्तेदार नू देण लई कहा, पर कोई भी रिश्तेदार अगे नहीं आया। जिस तों बाद शबनम दे एक कॉलेज टाइम दे दोस्त शैफी ने उसके मुंडे की कस्टडी लेण की गल कही। तो शैफी ने शबनम दे मुंडे नू गोद ले लिया, जिस करके शैफी ने स्पैशल ब्याह करवाया,
क्योंकि उस समय शैफी कुआरा सी ते कुआरे बंदे नूं कोर्ट बच्चे की कस्टडी नहीं दिंदी ते तुहानूं दस दईए शैफी ने अजिहा इस करके कीता क्योंकि शैफी शबनम नूं अपनी भैण मानदा सी ते कॉलेज टाइम दे समय शबनम ने दो तीन बार फीस दे के शैफी की मदद भी कीती सी जिस करके शैफी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकिया ते नौकरी ते लग सकिया। शैफी ने एक इंटरव्यू विच कहा सी कि मैं उस एहसान का कर्ज शबनम दे मुंडे नूं गोद लेके उतार रहा ते इस नाल मुंडे दी लाइफ भी बन जाएगी। शैफी ने यह भी कहा सी कि यह शबनम वह नहीं जो उसने कॉलेज टाइम देखी सी। कॉलेज टाइम वाली शबनम बहुत शांत ते मददगार सी पर उसने यह स्टैप क्यों चुकया यह गल सोच के वह बहुत हैरान है। तो जदों शबनम ने अपने मुंडे की कस्टडी शैफी नूं दित्ती सी तां उसने दो शर्त रखिया सी। पहली शर्त यह सी कि उसके मुंडे का नाम बदल दिता जाए तो दूजी शर्त यह सी कि इसनूं इसके पिंड कदे भी ना लेके जाई तो ना ही पिंड बारे जिक्र करी नहीं इसनूं पिंड वाले मार भी सकते ने क्योंकि इस घटना तो बाद अज तक उस इलाके के लोगों ने अपनी किसी भी कुड़ी का नाम शबनम नहीं रखिया। इस गल तो पता लगता है कि अमरोहा इलाके के लोगों के दिल में शबनम नूं लेके कितनी नफरत है। तो इस घटना में गलती किस दी सी इह तुसीं सानूं कमेंटा विच जरूर दस्यो। तो जेकर तुहानूं इह वीडियो वधिया लगी तो लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो। तो इस तरह दीआं होर वीडियोज़ देखण लई तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो होर वाधू जानकारियां लई तुसीं सानूं इंस्टाग्राम ते भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन विच मिल जाए।